वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। जियोपॉलिटिक्स में इतना उतार चढ़ाव आ रहा है कि समझना ही मुश्किल है, पर आज की जो खबर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो हम जानते हैं। पहली बात तो ये आप समझ के चलो, मीडिया सोर्सेस और एयरफोर्स के तरफ से अभी एक चीज़ डिक्लेयर किया गया है, विद द कन्फर्मेशन ऑफ मीडिया सोर्सेस मैं ये बात कर रहा हूँ कि शायद से MFRA डील, या जिसे MMRCA 2.0 कहते हैं, वो शायद से स्क्रैप कर दिया जाए। स्क्रैप इसके लिए कर दिया जाए क्योंकि जितना डिले हो रहा है इसमें और जो भी नेगोशिएशंस का पार्ट है, ये सब तो अभी बाकी ही है। अभी हम लोगों ने प्लेन ही, फाइटर जेट्स ही फाइनल नहीं हो पाए हैं। तो अब मतलब जो अपने अपर ऑफिशियल्स हैं एयरफोर्स के, उन्होंने मीडिया को सोर्स में रखते हुए एक बयान दिया है कि जैसे राफेल मरीन का जो डील है नेवी के लिए, जो 26 हम लेने वाले हैं, ये मार्च में इमैनुअल मैक्रॉन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है जब आएंगे तभी साइन होगा। एयरफोर्स चाहती है कि हम भी अप्रोच करें डिफेंस कमेटी को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, और बात करें कि इसके साथ साथ 36 और राफेल का एडिशनल ऑर्डर दे दिया जाए। इससे होगा क्या कि टाइम भी बचेगा और हमें कुछ टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये हो जाएंगे तभी हमारे पास, अभी 36 आ चुके हैं, 36 और ऑर्डर दे दिया जाए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील पे ये कर रहे हैं, तो हो जाएगा 72। और इसके बाद भी एक फॉलो ऑन ऑर्डर 36 का और दे दिया जाएगा, जो कि कुल संख्या मिलाकर होती है 108। मीन्स MMRCA में हम लोग लेने वाले थे 114 एयरक्राफ्ट, तो हमने डिसाइड किया है, अभी इंडियन एयरफोर्स ऐसा कह रही है कि 108 राफेल ही ले लेंगे। 36 आ चुके हैं, 36 का ये मार्च में राफेल एम नेवी के साथ हम लोग भी ऑर्डर दे देंगे फॉलो ऑन ऑर्डर, और 36 एक रिपीट ऑर्डर उनको बाद में दे दिया जाएगा। इसमें मैं ये जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, या मैंने अपने वीडियोस में पहले भी कहा है, या डिफेंस को जो फॉलो करते रहेंगे वो जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था MMRCA डील में भी राफेल ही सेलेक्ट होएगा, ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। क्योंकि नया प्लेन्स लेना आसान नहीं है, आप ले लोगे मान लो, लेकिन उसमें खर्चा और बढ़ जाता है, उसके लिए अलग हैंगर्स बनाने पड़ते हैं, ट्रेनिंग अलग से होती है, अलग से उसका मेंटेनेंस फैसिलिटी बैठाना पड़ता है। और नेवी में तो FA-18 जो था उसका तो ना होना निश्चित ही था, मैं पहले भी बोला था, क्योंकि वो राफेल एम को ही सेलेक्ट करते हैं मोस्टली, जो अपनी इंडियन नेवी है वो वही प्लेन्स अपने आप में वो अपने यूज में लाती हैं जो इंडियन एयरफोर्स के पास भी रहती है। इससे मेंटेनेंस फैसिलिटी भी कॉमन हो जाता है और स्पेयर पार्ट्स का भी दिक्कत नहीं होता है। अभी इसमें एक ट्विस्ट है, एक और चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, राफेल एम सेलेक्ट करने का एक और बहुत बड़ा कारण था, वो भी है कि न्यूक्लियर बम ये कैरी कर सकता है, राफेल एम न्यूक्लियर बम भी कैरी कर सकता है जबकि F-18 नहीं कर सकता था, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी ये डिसीजन लिया गया है ये बहुत सही डिसीजन है कि इन अनटिल अनलेस इतना टाइम वेस्ट पहले ही हो चुका है, और भी टाइम वेस्ट नहीं करके, क्योंकि ये पहले से ही हो सकता है गवर्नमेंट को राफेल ही लेना चाहिए या लेने का ही सोचा होगा, लेकिन ये सब चीज एक बाहर का जियोपॉलिटिक्स में दिखावा के लिए कि हम लोग टेंडरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, जानबूझ के लेट किया गया था, मेरे को तो ऐसा लगता है। बट जो भी डिसीजन लिया गया बहुत अच्छा है। पहली बात तो एयरफोर्स का जिस हिसाब से संख्या घट रहा है हम लोगों के पास, उस हिसाब से उसको पहले ही उसको मेकअप हो जाना चाहिए था। खैर जो भी है अभी देर है, दुरुस्त है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन 95-98% चांसेस है कि इसी मार्च में वापस 36 राफेल का साइन हो जाएगा एयरफोर्स के थ्रू भी, जब वो इमैनुअल मैक्रॉन के साथ साइन होगा राफेल एम का नेवी के लिए जो है, और उसके बाद एक और फॉलो ऑन ऑर्डर दे दिया जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास 108 राफेल हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। एक और वीडियो मैं अभी आपको लेने आ रहा हूँ लेके, एक और वीडियो, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी, शाम को आएगी या कल आएगी, जिसमें मैं बताऊंगा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि US ने किस हिसाब से पुशबैक किया है हम लोगों को, और हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है। अभी US हम लोगों के साथ हर एक चीज का डील करना चाह रहा है, और मैं उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताता हूं कि राफेल इज ड्राइविंग लाइक अ मर्सिडीज, मैं तो इतना बोलूंगा, राफेल इज राफेल यार, यू कांट कम्पीट इट। तो बहुत अच्छा प्लेन है, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा फाइटर जेट है, वी शुड गो। एयरफोर्स का डिसीजन बहुत अच्छा है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।